हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो बड़ी देर के बाद ये मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने लगा हूँ। कुछ जो थी वो कुछ क्राइसिस थे और कुछ दिल नहीं करता था वीडियोस बनाने के लिए। तो भी दोबारा जो है वो एक तो भाई की डेथ हो गई थी और दूसरा कुछ मेरी तबीयत नहीं थी। एक दो दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मेरी सर्जरी हुई, जिसकी वजह से मैं खुद जो था वो वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब जो है वो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि रेगुलर बनाऊंगा आपके लिए। तो आज हम एक नई मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बहुत काम आएगी। हम आज एक जूस बनाना सीखेंगे और वो जूस जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत सेहतमंद होगा और उस जूस के आपको बहुत ज़्यादा फायदे भी होंगे। और इस जूस के अंदर इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा नहीं हैं, चार इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें टोमेटो है, चिकंदर है, ठीक है, मिंट है। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को प्रॉपर देखते हैं और जूस कैसे बनाएंगे वो भी सारा कुछ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जूस जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस जूस को बनाने के लिए जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी हम देखते हैं। तो इस जूस के अंदर जो है ये जूस आपका 250 ml का बनेगा और इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने चिकंदर लेना है, ठीक है। जी हाँ, चिकंदर जिसको हम बीट रूट भी कहते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने छील लेना है, इसके पील्स को उतार लेना है, यानी इसके कवर को रिमूव करके इसको छोटे छोटे पीसेस में कवर कर लेना है। उसके बाद आपने गाजर ले लेनी है और गाजर जो है उसको भी आपने अच्छे तरीके से छीलने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें। और फिर आपने टमाटो लेना है और टमाटो को जो है आपने इसी तरह काट लेना है। जब आप काट लेंगे तो इसको भी छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लें। इसके बाद आपने पुदीना लेना है और इनको एक जार में डाल के 1 कप पानी डाल लेना है। उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर में ऐड करने के बाद आपने जो है इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जब आप ब्लेंड कर लेंगे इसको, तो देखें जी, आपने अच्छे तरीके से जब इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ब्लेंड करने के बाद जो है आपका जूस जो है बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। इसको बाद में आपने छान लेना है, स्टिर कर लेना है और स्टिर करने के बाद आप इसको ग्लास में डालिए और ग्लास में डालने के बाद आप इसको 30 दिन तक इस्तेमाल करिए।